हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं रचित एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ आप सभी के सामने आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th एग्जाम 2019 से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से बोर्ड ने एक नया ऐलान किया है और जिस माध्यम से छात्रों को स्पेशल सुविधा मिली है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ऐलान किया है यूपी बोर्ड और क्या सुविधा मिलने वाली है उन छात्रों को जो कि शामिल होने वाले हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2019 में। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना लेट किए आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रहे, जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल का जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर से दबा दीजिएगा। और दोस्तों, एक बात, अगर अभी तक आप सभी ने सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से सभी लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से सरकारी एग्जाम का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 से जुड़ी सभी खबर सभी अपडेट सबसे पहले मिल सके और लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और अपने आज के टॉपिक की अपडेट बताने के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले लेके आए livehindustan.com की एक खबर में, जहां की जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हेल्पलाइन सेवा, इस नंबर पर ले सुझाओ। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी बोर्ड ने काफी अच्छी एक सुविधा लॉन्च कर दी है, जारी कर दी है आप सभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए, जिस माध्यम से आपको एक सुविधा मिलेगी, आपको हेल्पलाइन मिल सकेगी, आपको मदद मिल सकेगी आपके परीक्षा 2019 के लिए। जिनकी भी परीक्षा है 10वीं और 12वीं बोर्ड की, उन्हें मदद करने का यूपी बोर्ड ने ये कदम उठाया। दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हाई स्कूल परीक्षा 2019 के छात्रों के लिए हेल्पलाइन की सुविधा दी गई है। छात्र विषय से संबंधित समस्याओं पर इस सेवा से मदद ले सकते हैं। शुरुआत आगामी 20 जनवरी से होगी। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि हेल्पलाइन संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में एक दिन के लिए खुलेगी। इसमें राजधानी सहित प्रदेश भर के यूपी बोर्ड परीक्षार्थी फोन कर सकेंगे। हेल्पलाइन में विषय विशेषज्ञ छात्रों को सुझाव देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप इस वीडियो के माध्यम से भी नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हो। नंबर मैं आपको डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ, 0522-2254070। और यहाँ पे हेल्पलाइन सेवा कार्यक्रम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन से टीचर कितने से कितने बजे तक आप अपने सब्जेक्ट वाइज कॉल कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करके आप पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी दोस्त हमारे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बता दें कि आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट एक बार फिर से 2018 की तरह आप सबसे पहले अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 चेक कर सकेंगे sarkarieexam.com पे। जी हाँ दोस्तों, आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 फिर से एक बार सबसे पहले आप देख सकेंगे कहाँ पे, sarkarieexam.com पे। तो दोस्तों, नाम सभी लोग याद कर लो कि आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का परीक्षा परिणाम आप सबसे पहले चेक कर सकोगे sarkarieexam.com पे। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, आपको हमारी अपडेट पसंद आती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।